मेन बात कर लेते हैं जिसके लिए ये वीडियो मैंने आपको बनाया। आई होप कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको समझ में आया होगा कैसे मूव होता है। तो क्यों ऐसा होता है कि बे ऑफ बंगाल के अंदर ज्यादा साइक्लोन आते हैं कंपैरेटिवली अरेबियन सी से, है ना। इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं कि बे ऑफ बंगाल के अंदर आखिर इतने ज्यादा साइक्लोन क्यों आते हैं कंपैरेटिवली अरेबियन सी से। तो देखिए गाइस, इसके कुछ मेजर फैक्टर्स हैं। सबसे पहली बात तो है टेम्परेचर का डिफरेंस होना। आपका जो बे ऑफ बंगाल होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा गर्म होता है अरेबियन सी से। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है, लो प्रेशर एरिया जो होता है वो ज्यादातर क्रिएट होता है बे ऑफ बंगाल में। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अगर आपको पता हो कि बे ऑफ बंगाल में माउथ ऑफ गंगा इसे हम बोलते हैं, राइट, आपका बहुत सारा फ्रेश वाटर जो है वो लाए करता है कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में। आपने पढ़ा भी होगा अरेबियन सी का पानी जो है वो खारा पानी है। बे ऑफ बंगाल को फ्रेश वाटर भी बोलते हैं, वाटर बॉडी भी हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ से ये माउथ ऑफ गंगा है, पद्मा रिवर भी यहाँ पर आती है, गंगा भी आती है, ब्रह्मपुत्रा भी आती है, और सारी जो है वो बे ऑफ बंगाल में आपकी आके मिलती है। तो ज्यादातर जो पानी है बे ऑफ बंगाल की सरफेस पे वो फ्रेश वाटर है, और जो फ्रेश वाटर होता है वो जल्दी गर्म होता है कंपैरेटिवली सलाइन वाटर के। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंस आपका क्रिएट होता है टेम्परेचर का। और जहाँ पर गर्म वाटर बॉडी होगी उसके ऊपर की हवा भी गर्म होगी, हवा गर्म होगी तो वैक्यूम क्रिएट होगा। हाई प्रेशर वाली जो आपकी वेव्स होंगी वो गर्म वाली जगहों के वैक्यूम को फिल करने के लिए आएगी, जिसकी वजह से साइक्लोन ज्यादा फॉर्म होते हैं बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो टेम्परेचर डिफरेंस जिसके बारे में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, सारी चीजें यहाँ पर लिखी है, ठीक है ना। सी सरफेस का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों के दोनों ज्यादातर चांसेस क्रिएट करते हैं साइक्लोन के बनने के। जैसा आपको मैंने बताया कि यहाँ पर माउथ ऑफ गंगा जो है, देखो पद्मा रिवर आ रही है, मेघना रिवर, तो ब्रह्मपुत्रा, बेसिकली गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, ये सारी की सारी यहाँ पर आती है, माउथ ऑफ गंगा जिसे हम बोलते हैं। तो जिसकी वजह से ज्यादातर फ्रेश वाटर यहाँ पर लाए करता है। हायर रेनफॉल होता है आपका ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर से ही हमारी बहुत सारी रिवर्स जो है जहाँ पे बे ऑफ बंगाल में आ रही है, राइट। तो बे ऑफ बंगाल का या जो बे का सरफेस वाटर होता है वो हमेशा रिफ्रेश होता रहता है, तो इसीलिए जो वार्म वाटर होता है वो मिक्स नहीं हो पाता अच्छे से। तो टेम्परेचर का डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट होता है, डिप्रेशन क्रिएट होता है जिसे हम बोलते हैं लो प्रेशर बेल्ट। जबकि जो अरेबियन सी होता है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग विंड जो होती है वो रिसीव करता है, जिसकी वजह से जो हीट डेवलप हुई है, हालांकि गर्म तो अरेबियन सी भी है पर जो हीट डेवलप होती है वो कॉन्स्टेंटली क्या करती रहती है, बाहर निकलती जाती है, कलेक्ट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्लस दूसरा पॉइंट, यहाँ पर फ्रेश वाटर का बहुत ज्यादा लैक है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वार्म वाटर जो है वो ज्यादा देर कंसिस्टेंटली रह नहीं पाता, ठीक है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है या नहीं, पर एब्सेंस ऑफ द लार्ज लैंडमास बिटवीन पैसिफिक एंड द बे, इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन की। जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया कि जैसे जैसे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स लैंड की तरफ बढ़ते जाते हैं वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो वार्मनेस क्रिएट होनी चाहिए, जो लैटन हीट जो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है साइक्लोन्स को, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को, वो लैंड पार्ट पे जाते जाते ठंडा पड़ जाता है, उन्हें वो हीट नहीं मिल पाती जिसकी वजह से वो अपने आप को कंटिन्यू कर सके। तो अगर आपने बे ऑफ बंगाल का पूरा मैप देखा हो इंडिया का, तो यहाँ पर देखो बहुत कमी है, लैंड पार्ट ज्यादा नहीं है। अगर पैसिफिक का और बे ऑफ बंगाल के बीच के आप रास्ते को देखें, यहाँ पर ज्यादातर लैंड पार्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर वार्म एयर क्रिएशन ज्यादा होता है और ज्यादा समय के लिए साइक्लोन्स यहाँ पर सस्टेन कर पाते हैं। पैसिफिक ओशन से जो साइक्लोन्स बन के आते हैं वो भी ऑब्वियसली लेफ्ट की तरफ टिल्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो बे ऑफ बंगाल में ज्यादातर टाइम आते हैं, ठीक है गाइस। इसके